हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है, जून का महीना चल रहा है और गर्मी में एक बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत वेजिटेबल अवेलेबल रहती है, अरवी। अरवी की कई सारी डिशेस बनती हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरवी की एक बिल्कुल यूनिक डिश। ये एकदम ड्राई होती है, सूखी होती है और आप इसे अपने खाने में मेन कोर्स के साथ, मेन्यू के साथ एक एड ऑन डिश की तरह ऐड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान होती है, देखने में बिल्कुल यूनिक है, बहुत खूबसूरत है और टेस्ट में तो बिल्कुल ही अलग होती है। आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अरवियाँ। अरवियाँ, गोल गोल अरवियाँ लीजिए, सॉलिड अरवियाँ लीजिए, खूबसूरत वाली। साथ में आपको चाहिए लाल मिर्च, नमक और चाहिए आपको चाट मसाला। ये पिसे हुए मसाले हो गए और इसके साथ आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन इसको एक बिल्कुल यूनिक टेस्ट देता है। अजवाइन के साथ आपको चाहिए सौंफ और सौंफ के साथ और आपको चाहिए जीरा। ये तीनों ही चीज बिल्कुल साबुत ली जाएंगी, पिसा हुआ नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आपने अरवी को उबालना है। उबालने के लिए प्रेशर कुकर में डालिए अरवी, और प्रेशर कुकर में डालने से पहले अरवी को बहुत अच्छे से धो लीजिए, इनके ऊपर मिट्टी ना हो। पानी डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए कि बस ये अरवियाँ डूबी रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और अब आप इसे प्रेशर लगा करके उबाल लीजिए, और उबालने के बाद जब इसमें लगे कि आपका चाकू बहुत आसानी के साथ इसके अंदर जा रहा है, तब ये समझिए अंदर से गल चुकी हैं। अब इसे कुकर में से निकाल लीजिए, देखिए सारी अरवियाँ एकदम बढ़िया गल चुकी हैं। इसे एक छलनी में लेकर तुरंत ही इसके ऊपर जल्दी से ठंडा पानी आपको डालना है। ठंडा पानी डालने से इसके ऊपर का छिलका टाइट हो जाएगा और जल्दी से आसानी के साथ ये छिल जाएगी। अच्छी तरह ठंडे पानी में डाल दीजिए, बिल्कुल कुकर में से निकालकर गरम गरम में ही इन पर ठंडा पानी डाल देना है, जिससे इनका छिलका चिटक जाएगा और अंदर से अलग हो जाएगा। अब इन्हें आपने छील लेना है, गरम गरम को ही छीलना है, ठंडी होने के बाद प्रॉपरली नहीं छिल पाएगी। देखिए बड़ी गर्म है अभी ये, लेकिन गर्म में ही इसको छीलना है और इसके ऊपर का छिलका आराम के साथ उतार लीजिए। कहीं कोई अरवी में अगर रेड कलर का पोर्शन है तो इस रेड कलर के पोर्शन को निकाल दीजिए, ये खराब है। अरवियां आपको लेनी है बिल्कुल ऐसी जो गोल है। देखिए हमने भी अरवियां ली हुई है जो गोल गोल है, ऐसी अरवी जिसमें एक तरफ नोक निकली हुई होती, पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बना होता है, वो अरवी पकने में गलती नहीं है और टेस्ट में भी अच्छी नहीं होती है। दोनों साइड से अरवी एकदम गोल होनी चाहिए और ठोस अरवी लीजिए। थोड़ी सी भी अगर जो अरवी मुलायम है कच्ची में ही, तो उस अरवी का डिश नहीं बन पाएगी, वो टेस्ट भी अच्छा नहीं देती है। ये देखिए अच्छी अरवी की पहचान ये है कि इसका अपना छिलका आराम के साथ उतरता चला जाएगा, क्योंकि आपने ठंडा पानी डाला था गरम गरम अरवी पर, ये छिलका छोड़ देता है अरवी को और बहुत जल्दी आराम के साथ ये उतर भी जाता है। किनारे काट दीजिए, वहां से छिलका नहीं उतर पाएगा। इसी तरह सारी अरवी को आपने प्रॉपरली छील लेना। ये देखिए ये अरवी खराब निकलने वाली है, देखने में गड़बड़ लग रहा है इसमें, क्योंकि एक तरफ से मोटी है और दूसरी तरफ से पतली होती चली गई। ये देखिए बिल्कुल खराब है, लाल अरवी निकल रही है, ये पूरी की पूरी ही खराब है। ध्यान रखिए इस तरह की अरवी आपको नहीं लेनी, ये चालाकी से सब्जी वाले चढ़ा देते हैं एक दो अरवियां ऐसी, ये पूरी की पूरी अरवी ही खराब है। सारी अरवी अंदर से निकली लाल निकली हुई खराब है। अब आपने जो अरवियां अच्छी थी साफ थी, उनको छोटे छोटे से पीसेस में काट लेना है, चंदे आपको बना लेने हैं इनके। ध्यान रखिएगा अरवियां इतनी ना गले कि चंदे काटते हुए ये बह जाए, बिखर जाए, बिल्कुल पिघल जाए। साफ इसका चंदे बन जाने चाहिए, साफ पीसेस बन जाने चाहिए। आराम से सभी अरवियों के ऐसे ही पीसेस बना लीजिए। पीस बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, पतला पीस तलने समय खराब हो जाएगा। एक कढ़ाई में तेल गरम करना है आपने, तेल में थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, ये हींग बहुत प्यारी खुशबू दे देता है इस डिश को। साथ में जीरा आपने डाला,
मोटा जीरा, साबुत जीरा, और साथ में सौंफ आपने डाल दी है, और अब ये अजवायन, एक एक चम्मच है तीनों ही चीजें, सब कुछ आपने इसमें डाल दिया है। धीरे धीरे इन्हें भुनने दीजिए, धीमी आंच पर ये तीनों चीजें आपस में भुन जाएंगी। और अब इसमें तली हुई अरवियां डाल दीजिए। अरवियों के ये चंदे पहले ही हमने अलग से फ्राई कर लिए हैं, डीप फ्राई कर लिए हैं। अब इसके ऊपर डालिए आप लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। पहली बार बनाएंगे थोड़ा सा नमक, मिर्च थोड़ा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता ना रहे, फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसे चेंज कर लीजिए। नमक और मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा आपने पानी डालना है, ताकि ये मसाला मिर्च और नमक और जो आपने अभी डाला था चाट का मसाला, ये सब आपस में मिक्सअप हो जाए और अच्छी तरह से भुन भी जाए। थोड़ा सा ही पानी डालना है, क्योंकि ड्राई ड्राई है ये डिश बिल्कुल। ज़्यादा पानी डालेंगे रेशा हो जाएगा, शोरबा हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है इसका अपना नेचुरल लुक खराब हो जाएगा। अच्छे से सबको डाल देना है, कहीं आपको ऐसा लगे कि अभी मसाला मिर्च कच्चे रह गए हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके एक बार और इसको अच्छे से भून लें। 2-3 मिनट में ये भून जाता है, बिल्कुल आसान है बनाने में, सिंपल है, पहली ही बार में बहुत अच्छी डिश बन जाती है। प्रॉपरली इसे चलाते रहें, ताकि जो आपने मसाला मिर्च डाला है वो सब पर लग जाए। लीजिए, आपकी डिश बिल्कुल तैयार है, सर्व कीजिए और अपने मेहमानों का, अपने दोस्तों का दिल जीत लीजिए। बिल्कुल ड्राई है, देखिए आप ध्यान से, मॉइस्चर है बस अपनी अरवी का, अपना मॉइस्चर, उसका अपना गीलापन है। अरवी के बाहर, अरवी के ऊपर कोई रेशा नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। देखिए, यहाँ तक कि आपको इसमें साबुत मसाला भी साफ साफ दिखाई देगा। देखने में देखिए कितनी खूबसूरत डिश है ये, सुनहरे रंग की ये तली हुई अरवियाँ होती हैं, और जब आपने मसाला बनाया तो और भी प्यारा हो जाता है। दोस्तों, आपके इसी चैनल पर और बहुत सारी डिशेज अवेलेबल हैं, ऐसी डिश जो आप डेली बनाते हैं, अक्सर बनाते हैं, बस यहाँ आपको उनके बनाने का तरीका कुछ अलग मिलेगा, ताकि उनका टेस्ट बेटर हो जाए, उनका टेक्सचर लुक बढ़िया हो, और साथ में वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी हो। आलू पकौड़ा लगभग सभी घरों में बनता है, आलू पकौड़े की एक नई डिश यहाँ देखिए, एक नई रेसिपी आप देखिए। इस रेसिपी से आप आलू पकौड़ा बनाएंगे, टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होता है, देखने में भी बिल्कुल अलग होता है, और हेल्दी होता ही है, क्योंकि हमने यहाँ उसमें बहुत सारे सब्जियाँ और दूसरे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हुए हैं। रेसिपी देखने के लिए इसी चैनल पर सर्च कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। दोस्तों, इसी चैनल पर, आपके इसी चैनल पर बहुत सारी स्वीट डिश अवेलेबल है, उन्हीं में से एक स्वीट डिश है फिरनी। ये फिरनी देखने में खीर के जैसे लगती है, लेकिन इसको बनाने में इसकी रेसिपी डिफरेंट है, और इसका लुक, इसका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, और खाने में इसका टेस्ट भी बिल्कुल क्रीमी होता है। जहाँ आपकी खीर थोड़ा दरदरापन देती है, मुंह में कोर्स होता है, चावल महसूस होता है, ये बिल्कुल एकदम क्रीमी होता है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और एक और स्वीट डिश है, बहुत ट्रेडिशनल डिश है, जो अभी हमारे किचन से गायब सी हो गई है, और ये बची रोटी हुई रोटी से बनती है। बची हुई रोटियों को यूज़ करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है ये, और इसका नाम है शाही चूरमा। चूरमा आपने सबने सुना होगा, शायद कुछ ने खाया भी होगा। आप रेसिपी यहाँ देखिए, बनाना इसको भी बहुत आसान है। दादी के तरीके से नहीं बनाया हमने, अपने नानी के तरीके से नहीं बनाया, अपने नए तरीके से बनाया, और आसान भी पड़ा वो, और बनाने के बाद बहुत ही इसका खूबसूरत टेक्सचर बनता है, और टेस्ट इसका बिल्कुल अलग बन जाता है। एक और स्वीट डिश है जो जाड़ों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जाड़ों में बच्चे बड़े सब इसे पसंद करते हैं। सिंपल गुड़ और मूंगफली दो इंग्रेडिएंट है इसमें, तीसरा कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होता, बनाने में बहुत आसान होती है, और न्यूट्रिटिव है, बेहद न्यूट्रिटिव है ये। गुड़ अपने आप में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जाड़ों में एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और मूंगफली आप जानते ही हैं, मूंगफली बादाम का छोटा भाई है, बादाम से कुछ कम न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं है। बादाम ना खाएं, मूंगफली खा लें, दोनों को एक साथ, गुड़ और मूंगफली का एक साथ यूज़ करें,
तो एक नई डिश बन जाती है, ये डिश है आपका गुड़दाना। इसी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।